नमस्कार फ्रेंड्स, मास कम्युनिकेशन बेसिक ट्यूटोरियल क्लास में मैं अंशु सिन्हा आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि पब्लिक रिलेशंस क्या होता है। मैंने बताया था कि पब्लिक रिलेशंस कह सकते हैं एक एक्टिविटी है जहाँ पर हमारा एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का काम होता है कि उसकी सर्विसेज, उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रोडक्ट के बारे में उसकी चीज़ों का गुडविल बढ़े, यानी कि उनकी मार्केट में उनकी वैल्यू को स्टैब्लिश करना, गुडविल को बढ़ाना, ये बेसिकली काम होता है पीआर का। तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिखा है और मैं चाहूँगी एक बार मैं डेफिनेशन आप लोगों को बता सकूँ। दैट पीआर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक। इट इज़ एन अटेम्प्ट बाई इंफॉर्मेशन पर्सुएशन एंड एडजस्टमेंट टू इंजीनियर पब्लिक सपोर्ट फॉर अ कॉज और एन एक्टिविटी। यानी कि पब्लिक रिलेशन का काम होता है कि किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन का और पब्लिक के बीच में एक रिलेशन को स्टैब्लिश करना, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये पब्लिक है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को ही हम स्टैब्लिश करेंगे तो ऑब्वियसली हम उस पब्लिक के लिए स्टैब्लिश कर रहे हैं, अपने लिए तो कर नहीं रहे। तो पब्लिक के अंदर किस तरीके से हम इस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को लेकर जाएं, किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी चीज़ें बताएं ताकि पब्लिक जो है वो इस तरफ अपना रुख कर सकें। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स पहले भी दिए हैं आपको, मैं फिर से एक एग्जांपल दूंगी कि कोई भी चीज़ हो, वो चाहे सिर्फ एक प्रोडक्ट या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको एक आपने एक यूट्यूब पर एक चैनल स्टैब्लिश किया, एक चैनल स्टार्ट किया, आपने अच्छे कंटेंट डाले हैं यूट्यूब में और आप चाहते हैं कि कोई भी एक्स वाई जेड टॉपिक पे आपने कंटेंट डाला है और अब ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि वो और चैनल आपने किस लिए स्टैब्लिश किया, अपने लिए तो स्टैब्लिश नहीं किया, आप लोगों तक अपने कंटेंट को पहुंचाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे कंटेंट पहुंचाने के लिए, आप अपने फेसबुक हैंडल के थ्रू आप अपने उस कंटेंट को शेयर करेंगे अपने जितने भी फ्रेंड लिस्ट हैं। ऑब्वियसली सबके मिनिमम 500 से तो ऊपर फ्रेंड्स होते ही हैं। अगर आपका चैनल 500 लोग तक भी पहुंचा है और उन 500 लोगों में से अगर 10 लोगों ने भी आपके उस चैनल को पसंद किया तो वो उसको आगे शेयर करेंगे और वो 10 में से 5 लोग उसको आगे शेयर करेंगे, तो इस तरीके से एक चेन बढ़ता चला जाता है और आपके चैनल के लोग बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपके लाइक बढ़ेंगे। तो ठीक वही काम होता है पब्लिक रिलेशन का कि पब्लिक रिलेशन का बेसिकली इन्वॉल्वमेंट ये रहता है कि कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन हो या आपका सर्विस हो या आपका प्रोडक्ट हो, उसमें ट्रस्ट लेवल पब्लिक तक कैसे पहुंचाना, आपको कैसे कन्विंस करना कि आप उस प्रोडक्ट के लिए वो प्रोडक्ट आपको बहुत इट इज़ अ वर्थ और आपको ज़रूर उस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। सो दिस वर्क बेसिकली इज़ डन बाई पब्लिक रिलेशन। एंड मोर ओवर जो वर्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उस प्रोडक्ट के में जब आगे चल के किसी तरीके की त्रुटियाँ आती हैं, किसी तरीके के कोई डैमेजेस आते हैं या किसी तरीके का कोई कह सकते हैं कि कोई क्राइसिस आता है, उस वक्त पब्लिक रिलेशन का काम होता है कि उस क्राइसिस को किस तरीके से ओवरकम किया जाए। तो पब्लिक रिलेशन एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है जहाँ पर लोगों का काम होता है कि वो मीडिया के थ्रू अब उस प्रोडक्ट को इन्हांस करें, उस प्रोडक्ट के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक उस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, उस प्रोडक्ट के यूज़र्स के बारे में बताएं, उसके लोग जिन लोगों ने उसको यूज़ कर लिया है उनके क्या वर्डिक्ट्स हैं उनके बारे में बताएं, और अगर आगे चल के किसी तरीके का कोई कैंपेन चलाना हो तो वो कैंपेन भी चलाते हैं वो। ठीक है, तो ये काम होता है पब्लिक रिलेशन का। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, रिसेंटली मैगी को लेकर एक कुछ टाइम पहले बहुत बवाल हुआ था कि मैगी में लीड पाया गया था और वो ब्रेन के ग्रोथ को स्लो कर सकता है, बहुत तरीके की चीज़ें चली थी, बहुत जिस मैगी को लोग बचपन से खा रहे थे उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा था। तो पीआर टीम जो मैगी की थी उन्होंने हैशटैग का एक कैंपेन चलाया था जहाँ पे मैगी मेमोरीज करके कुछ कैंपेन्स थे, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती वो हैशटैग मैगी मेमोरीज था ऐसे ही कुछ नाम था विच वॉज क्वाइट रिलेटेड विद दैट वर्ड ओनली, जहाँ पर लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने मैगी के मेमोरीज़ को शेयर किया और लोगों ने कुक करते हुए बताया कि हाँ मैं मैगी कब से खा रहा हूँ, इस लाइक अपने चाइल्डहुड डेज की स्टोरीज शेयर कर रहे थे लोग मैगी के साथ। सो ये इस तरीके की चीज़ें की गई ताकि मैगी को इस तरीके के एलिगेशन से निकाला जा सके और ये बताया जा सके इट्स एब्सोल्युटली सेफ टू ईट।
तो ये है पब्लिक रिलेशन, दैट इज़ लाइक बहुत क्रूशियल वर्क होता है पीआर का। आगे बढ़ते हैं और आगे मैं बताती हूँ कि पब्लिक रोल ऑफ पीआर क्या है एक्चुअली। ये तो पहला है, पब्लिक रिलेशन का रोल क्या है। पब्लिक रिलेशन का रोल है कि पब्लिक इमेज स्ट्रैटेजी बनाना, यानी कि पब्लिक के सामने उस प्रोडक्ट की इमेज को बिल्ड करना। अगर मैं मैगी के बारे में बात करूं, तो ऑब्वियसली मैगी का एक इमेज बिल्ड किया हुआ है हमारे दिमाग में कि मैगी इज़ लाइक आर चाइल्डहुड डेज। हम कब से खा रहे हो, जब बीमार होते हैं तब भी मैगी खाते हैं, जब हम अच्छे मूड में होते हैं तब भी हम मैगी खाते हैं, जब हमें कुछ बनाने का मन नहीं करता तब भी हम मैगी खाते हैं। इट्स लाइक 2 मिनट मैगी प्रोसेस। तो हमारे दिमाग में वो एक इमेज स्ट्रैटेजी तैयार हो गया है। ठीक है, और भी बहुत तरीके की इमेज स्ट्रैटेजी हैं। अगर हम केचप के बारे में बात करें, टोमेटो केचप के बारे में, तो उसके बारे में भी हम एक पब्लिक इमेज स्ट्रैटेजी हमारे पास बनी हुई है। छोटे छोटे जैसे कि एक एक बहुत पहले के बहुत सारे एड्स हैं जो हमारे दिमाग में छप चुका है। तो ये क्या है, पब्लिक इमेज स्ट्रैटेजी है, यानी कि पब्लिक के इमेज पर एक एक छाप छोड़ना, एक 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 कहते हैं ना कि उनके दिमाग पर एक असर छोड़ना कि हाँ लाइक दिस इज़ समथिंग, कि हम इसको छोड़ नहीं सकते, ये हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है। ठीक है, जब हम माउंटेन ड्यू वाली जो ऐड है, डर के आगे जीत है, ठीक है, वो इट्स जस्ट अ कोल्ड ड्रिंक, उसका कोई लेना देना नहीं है डर से और ऐसे, बट उसको एक मैनली वॉइस के थ्रू, ताकि वो लोग मर्दों वाला ड्रिंक काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो इस तरीके की एक स्ट्रैटेजी बना के रखी है उन्होंने। फिर क्या है, मीडिया रिलेशंस। ऑब्वियसली जब तक मीडिया के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, तब तक कोई भी प्रोडक्ट को मीडिया उतनी प्रायोरिटी नहीं देगी। तो मीडिया रिलेशंस में जब हम कोई भी नया प्रोडक्ट या नया सर्विस लॉन्च होता है, तो पूरी मीडिया के टीम को बुलाया जाता है। हर हर ऑर्गेनाइजेशंस के लोग पहुंचते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, जहां पर मीडिया को बहुत ही इज्जत से उन्हें खिलाया पिलाया जाता है, और उनको इवेंट्स के बारे में एक पीपीटी दिया जाता है, ताकि वो अपने पेपर में, अपने न्यूज़ चैनल में उसके बारे में बता सकें। और फिर जब वो जाने लगते हैं, तब उनको एक गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कुछ ये। तो ये एक मीडिया रिलेशन, ताकि एक अच्छा स्मूथ मीडिया के साथ रिलेशंस बना बन 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 सके, ताकि कल होकर अगर कभी किसी चीज़ की का डैमेज हो, तो मीडिया उसको सेफ गार्ड कर सके। देन इज कम्युनिटी रिलेशंस। ऑब्वियसली कम्युनिटी रिलेशन मतलब जो टारगेट ऑडियंस है, हमें उनके साथ एक अच्छा रेपुटेशन स्टैब्लिश करना है, गुडविल स्टैब्लिश करना है, क्योंकि वही एक पर्सन है। जैसे हम अगर बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो बच्चों के बीच तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होगी। अगर हम यूथ के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हम बुज़ुर्ग के लिए, तो उस कम्युनिटी तक हमें कैसे पहुंचना है, किस तरीके से उन्हें इन्फ्लुएंस करना है, कन्विंस करना है कि वो उस प्रोडक्ट को लें, उस सर्विस को से जुड़ें। तो इट इज़ दिस कम्युनिटी रिलेशंस। उसके बाद है बिल्डिंग रेपुटेशन। और बिल्डिंग रेपुटेशन तो बहुत बड़ा वर्क है, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ की रेपुटेशन को नहीं समझे, बीकानेर का रेपुटेशन क्यों है, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है, बल्कि कई कई चीज़ें हैं। बीकानेर को लोग पसंद करते हैं, अमिताभ बच्चन, आई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर रॉन्ग होगी तो मुझे बताइएगा। तो इस तरीके से रेपुटेशन को बिल्ड करने के लिए हम बड़े बड़े स्टार्स को उसके लिए हम हायर करते हैं, ताकि वो स्टैब्लिश करने में हेल्प कर सके। आप देखते होंगे छोटी छोटी एडवर्टीजमेंट, पहले बहुत छोटे छोटे कलाकार या कार्टून्स कर लेते थे, लेकिन अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, किचन हार्पिक के लिए भी बड़े स्टार्स आ रहे हैं उसको ये करने। एक ब्रश जिसके लिए, एक टूथपेस्ट जिसके लिए लोगों ने नहीं कहते थे, अच्छा ठीक है, लाइक ये हम लोग हंसते थे, पर उन सारे प्रोडक्ट्स के लिए कंपटीशन इतना बढ़ गया है, बड़े बड़े स्टार्स को हायर किया जा रहा है, ताकि रेपुटेशन को बिल्ड किया जा सके। उसके बाद है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। जो काम ऊपर का कोई चीज़ नहीं कर सकता, वो एक्चुअली सोशल मीडिया अकेले भी कर सकता है। तो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ताकत है, क्योंकि अभी के टाइम पे जो सबसे पावरफुल टूल है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को जागरूक किया जा सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बाइकॉट भी किया जा सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है। अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे व्लॉग्स आते हैं, आप पता नहीं, बहुत सारे व्लॉग्स मैं खुद फॉलो करती हूँ,
तो बहुत सारे व्लॉग्स हैं, जिस व्लॉग्स को आप अगर आप देखेंगे तो उन व्लॉग्स में जो पॉपुलर ट्रेंडिंग व्लॉग्स हैं उन व्लॉग्स में भी लोगों ने उन्हें इंडोर्स करते हैं, उस प्रोडक्ट्स को बताते हैं। अगर वो कुछ प्रोटीन शेक ले रहे हैं ऑब्वियसली वो इंडोर्स्ड होते हैं, लेकिन वो उस प्रोटीन शेक को इंडोर्स करते हैं, फेस क्रीम को इंडोर्स करते हैं, फेस वॉश को इंडोर्स करते हैं, शैम्पू को इंडोर्स करते हैं। तो सोशल मीडिया में कई व्यूअर्स होते हैं, कई सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो वो वहाँ तक भी पहुँचते हैं और वहाँ बताते हैं। एंड देन दिस हैंडलिंग एमरजेंसीज विच इज़ ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट किसी भी पब्लिक रिलेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्राइसिस के टाइम पर पता चलता है कि उसका पीआर टीम कितना ज़्यादा सजग है, कितना ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। क्योंकि क्राइसिस के टाइम पर बहुत चीज़ें, अभी सोशल मीडिया के टाइम पे तुरंत बाइकॉट हैशटैग चलने लगता है, तो क्राइसिस के टाइम पर उस कंडीशन को हैंडल करना ये पीआर का सबसे बड़ा काम होता है, सबसे बड़ा टास्क होता है। तो ये तमाम थे हमारे कह सकते हैं रोल ऑफ पीआर के बारे में, यानी पब्लिक इमेज स्ट्रैटेजी, मीडिया रिलेशंस, कम्युनिटी रिलेशंस, बिल्डिंग रेपुटेशन, सोशल मीडिया एंड हैंडलिंग एमरजेंसीज। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पीआर के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी। आप यहाँ पर देख सक रहे होंगे क्राइसिस के बारे में है, क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान के बारे में है। मैं नेक्स्ट क्लास में इन बाकी चीज़ों को भी बताऊँगी। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।